हम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे संगठन महासचिव आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, सचिन पायलट जी, सीपी जोशी जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी और तमाम मंच के ऊपर बैठे हुए तमाम नेतागण, और आप सब कांग्रेस पार्टी के वो तमाम नींव के पत्थर जिनके बलबूते के ऊपर 5 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने थी और 2023 में खड़गे साहब दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में एक संदेश दिया, उस संदेश को मानते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि निडर बनो, मेहनत करो, जनता के बीच में जाओ और मोदी सरकार को उखाड़ फेंको और जिनकी समस्याओं से निजात पाओ। देश के अंदर आज इस प्रकार का वातावरण है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर ये खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, ये वो कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष से लेकर के हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे तमाम ग्राम पंचायत अध्यक्ष, हमारे चुने हुए पंचायती राज के और नगर निकाय के जनप्रतिनिधिगण, हमारे ब्लॉक की कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, जिला के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के वो तमाम कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता आज आपका ऐतिहासिक स्वागत करने के लिए आए हैं। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज के दिन हमारा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 4 मंजिला नए भवन की नींव रखी गई। आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी दोनों ने साथ आकर के राजस्थान के कार्यकर्ताओं के बीच में इस नए भवन की नींव रखी है। ये नए भवन की नींव ही नहीं है, ये राजस्थान में दोबारा 2023 में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस की विजय का ऐलान करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां आए हैं। राहुल जी, आपने हमें एक ही बात सिखाई है कि निडर रहो, डरो मत और बब्बर शेर बनकर के इस मोदी सरकार का विरोध करो, इसकी गलत नीतियों का विरोध करो। ये वो बब्बर शेर हैं जिन्होंने कमर कस ली है कि 2023 भी हमारा होगा और 2024 भी हमारा होगा। इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वो कितने भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, हमारे पास में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसा नेता जिनके अध्यक्ष बनने के बाद में हमने चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी के चेहरे को धूल चटाने का काम किया है, इनको परास्त करने का काम किया है। आज ये सारे के सारे लोग आज संकल्प लेने के लिए आए हैं, ये भवन भी बनेगा और भवन के साथ साथ ज्यों ज्यों ये भवन ऊंचा जाता जाएगा, ज्यों ज्यों यहां पर कांग्रेस की जड़ें और ज्यादा मजबूत होंगी और हम सब मिलकर के आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये पूरा मंच और ये पूरा पंडाल और यहां जो आज नहीं आ पाए वो तमाम कांग्रेस के लोग आपकी लीडरशिप में, खड़गे साहब और राहुल गांधी की लीडरशिप में हम यहां से बच्चे बच्चे के पास जाएंगे, बूढ़े के पास जाएंगे, हमारी सरकारी योजनाएं शानदार, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, 10 तरीके की गारंटी दी है, कोई एंटी कमेंसी नहीं है। ये कार्यकर्ता इस बात का प्रमाण है कि ये कार्यकर्ता सब कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए और 2023 में पुनः भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्प लेकर के आज आपके सामने जाएंगे। यहां कोई डरने वाला नहीं है। आपने सही कहा कि ये जो मेरे राजस्थान के जो नीडर बब्बर शेर हैं, ये राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में 2024 में भी कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे। ये सब के सब नीडर हैं राहुल जी, हमें इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का कोई डर नहीं है। आदरणीय खड़गे साहब का आशीर्वाद और आपका एक संदेश लेकर के गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएंगे, कांग्रेस के झंडे को बुलंद करेंगे,
और 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बना के आएंगे। ये साधारण कार्यकर्ता नहीं है माननीय खड़गे साहब, ये वो लोग हैं जो बूथ के अध्यक्ष हैं, जो मंडल के 2200 मंडलों के अध्यक्ष हैं, जो 400 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है। और आज के दिन यहाँ जिला अध्यक्ष संगठन को आपके नेतृत्व में इतना महत्व दिया गया है कि जिला अध्यक्ष स्टेज के ऊपर बैठे हैं। संगठन और सत्ता में समन्वय के साथ में 2023 में हम निडरता के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप पधारे, आपका पुनः इन सब की ओर से, और जो नहीं भी आए हैं उन सब की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।